हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट सीएन गजबी है। आज आपके लिए न्यू प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। न्यू प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको उसका उपयोग बताऊंगा, क्या उपयोग होता है, उसके साइड इफेक्ट बताऊंगा, उसके बारे में फुल डिटेल दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों, न्यू प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। आज के वीडियो में हम विटामिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका प्रयोग सभी डॉक्टर्स, चाहे वो MD हो, MBBS हो या फिर दोस्तों कोई ग्रामीण चिकित्सक हो, उन सभी के द्वारा लिया जाता है। वह इंजेक्शन है न्यूरोवियन फोर्ट इंजेक्शन। इस इंजेक्शन की यदि कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें मिथाइल कोबालामिन, निकोटीनामाइड तथा पायरिडॉक्सिन मिलाया जाता है, जिसे हम विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B6 के नाम से भी जानते हैं। इस इंजेक्शन में मिथाइल कोबालामिन, जिसे विटामिन B12 कहा जाता है, उसमें इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो 1000 माइक्रोग्राम होता है। निकोटीनामाइड जो होता है 100 mg होता है, तथा पायरिडॉक्सिन जो होता है दोस्तों वो 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मिलाई जाती है, और यह स्ट्रेंथ जो होती है दोस्तों प्रति 2 ml होती है। जब भी आप 2 ml का इंजेक्शन लगाते हैं तो यह मात्रा आपके शरीर में जाती है, ठीक है दोस्तों। इस इंजेक्शन को जब आप लेते हैं तो इसको डायरेक्ट आप सनलाइट में ना रखें। इस इंजेक्शन को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में रखना चाहिए, जिससे कि यह ख़राब नहीं होती है। इस इंजेक्शन में जो मिथाइल कोबालामिन है, यह शरीर के अलग अलग कार्यों को करने में मदद करता है, जैसे कि सेल्स की ग्रोथ है, ब्लड फॉर्मेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है। दोस्तों इसमें जो निकोटीनामाइड है, यह सेल्स के आवश्यक न्यूट्रिएंट्स को उपलब्ध कराता है, जिससे कि सेल्स में एनर्जी बनी रहे। इसमें जो पायरिडॉक्सिन है, यह मुख्य रूप से फैट तथा कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तथा जो RBC है, रेड ब्लड सेल्स है, इसके फॉर्मेशन में भी मुख्य भूमिका निभाता है। न्यूरोवियन फोर्ट जो है दोस्तों ब्रांड नेम है, जो मर्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसे इस नाम के अलावा अन्य नाम से भी खरीद सकते हैं, जैसे कि दोस्तों न्यूरोकाइंड इंजेक्शन, नर्व इंजेक्शन, री नर्व इंजेक्शन, इनमें से कोई भी इंजेक्शन आपको मिले आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसका कंपोजिशन सेम ही होना चाहिए। इस इंजेक्शन के यूजेस की बात करें, इस इंजेक्शन का उपयोग न्यूट्रिशन की कमी तथा विटामिन्स की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए लिया जाता है। विटामिन डेफिशिएंसी का मतलब है हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी हो जाना, और जब इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में कई अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यक्ति के वजन का धीरे धीरे कम होना, उसे कमजोरी लगना, थकान रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, मुँह में छाले हो जाना, जल्दी से थका ना जाना, बार बार व्यक्ति का बीमार होना, आलस्य आना आदि। यदि आप इन सब समस्याओं से पीड़ित हैं तो यह इंजेक्शन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को यदि पेरिफेरल नामक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति के हाथ पांव में दर्द रहता है, जलन रहती है, कील चुभने जैसा एहसास होता है, साथ ही दोस्तों जो दर्द है पेन किलर लेने पर भी ठीक नहीं होता है, तो उस समय यह इंजेक्शन दिया जाए तो काफ़ी फायदेमंद होता है, ठीक है दोस्तों। कोई व्यक्ति है रनिंग ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, या फिर कोई हार्ड वर्कर है तो उन्हें जल्दी से थकान आ जाती है, तो उन्हें भी यह इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि थकान कम से कम आए। कोई व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा शराब पीता है, शराब का आदि हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा शराब पीने के कारण व्यक्ति के शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति है जिसको खून की कमी है, जिसे एनीमिया हो गया है, उसके शरीर में RBC नहीं बनती है, तो उस समय भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। जिसे हाई शुगर हो गया है, जिसके कारण उसकी जो नर्व सेल से डैमेज हो जाती है, तो उसमें भी डॉक्टर द्वारा यह इंजेक्शन दिया जाता है। साथ ही किसी व्यक्ति को मस्तिष्क से जुड़ी हुई, ब्रेन से जुड़ी हुई बड़ी बीमारी है, तो उस समय उन्हें सहायक दवाई के रूप में यह इंजेक्शन दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को विटामिन्स की डेफिशिएंसी हुई है, किसी भी समस्या के कारण उसे विटामिन्स की कमी हो गई है, और विटामिन्स के कारण उसे यह सब समस्या हो रही है, तो यह इंजेक्शन देकर उसे ठीक किया जा सकता है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों यह थे दोस्तों इस इंजेक्शन के यूजेस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो जनरली साइड इफ़ेक्ट ये देखा गया है दोस्तों कि जिस जगह पर व्यक्ति को इंजेक्शन लगाया जाता है वहाँ पे व्यक्ति को रेडनेस हो सकती है, जलन हो सकती है, तेज दर्द हो सकता है और सूजन भी आ सकती है। इसके अलावा व्यक्ति में नोजिया तथा वॉमिटिंग होना,
एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट व्यक्ति को हो सकता है, सिरदर्द होना, कॉन्स्टिपेशन व्यक्ति को हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको कोई साइड इफेक्ट दिखता है तो यह इंजेक्शन तुरंत आप लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों ये जानकारी थी दोस्तों न्यूरोवियन इंजेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।